अभी तक अपन ने देखा था सब सरफेस इक्विपमेंट में, तो अपन ने देखा था कि जो प्रोडक्शन पैकर्स होते हैं उनको क्यों यूटिलाइज करते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है लैंडिंग निप्पल्स। ठीक है, अब इनका क्या यूटिलाइजेशन है, ये क्या एक काइंड ऑफ फ्लोट डिवाइस है। जैसे आपने चोक पढ़ा था जिसमें आपने बॉटम होल चोक भी पढ़ा था और सरफेस चोक भी पढ़ा था, वैसे ही काइंड ऑफ वैसा ही इक्विपमेंट होता है। ये क्या है, फ्लो को कंट्रोल करता है, और अगर ट्यूबिंग के अंदर डाउन होल में आप इंस्टॉल करते हैं तब। ठीक है, और इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। ये क्या होता है कि लैंडिंग निप्पल इज अ शॉर्ट ट्यूबलर डिवाइस, एक ट्यूबिंग जैसा डिवाइस होता है बहुत शॉर्ट टाइप का। ठीक है, उसके अंदर आप क्या एक मेटल रो टाइप का मैंड्रल बोलते हैं जिसको, उसको आप इसके अंदर सिक्योर करते हैं या इंस्टॉल करते हैं वायर लाइन के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लैंडिंग निप्पल इज अ शॉर्ट ट्यूबुलर डिवाइस विच हैज एन इंटरनली मशीन प्रोफाइल। इसकी एक मशीन प्रोफाइल होती है इंटरनली, केपेबल ऑफ अकोमोडेटिंग एंड सिक्योरिंग ए मैंड्रल रन इन टू इट्स बोर। जो इसका डायमीटर है, जो इसकी प्रोफाइल है, इसके इनर जो पार्ट है उसके अंदर आप मैंड्रल को रन कर सकते हैं वाया वाई लाइन के थ्रू, या कॉइल ट्यूबिंग आपका एक काइंड ऑफ रिग होता है छोटा। ठीक है, उसके थ्रू आप कोई भी इक्विपमेंट को रन करते हैं। ठीक है, या वेल को स्टिमुलेशन करना है, या वेल के अंदर आपको कोई भी फ्लूइड को इंजेक्ट करना है, तो आप कॉइल ट्यूबिंग को यूज कर सकते हैं। ये काइंड ऑफ वर्क ओवर रिग होता है, जैसे ड्रिलिंग रिग होता है वैसे ही छोटे पार्ट में आपका वेल पे कुछ सर्विसिंग आपको प्रोवाइड करनी है, तो छोटा रिग होता है जिसको कॉइल ट्यूबिंग बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है थोड़ी सी जो आपका ड्रिलिंग रिग होता है उससे। ठीक है, तो जो आपका ये ट्यूबलर शॉर्ट डिवाइस है जिसको अपन लैंडिंग निप्पल बोल रहे हैं, इसकी इंटरनली जो मशीन प्रोफाइल है वो कैपेबल होती है कि उसके अंदर आप मैंड्रल को रन कर सकते हैं। ठीक है, मैंड्रल को रन आप वायर लाइन के थ्रू कर सकते हैं या कॉइल ट्यूबिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है कि जो निप्पल है इसके अंदर जो आपने मैंड्रल को रन किया है उसको आप क्या करते हैं, रीएक्सेस करके मैकेनिकली लॉक भी कर सकते हैं इन प्लेस, और विद द हेल्प ऑफ आपकी एक्सपेंडेबल कीज होती है जो एक्सपेंड होके और जो प्रेशर सील बनाती है, जो उसका इंटरनल बोल है उसके अंदर आपने एक सिंपली मेटल टाइप का रोड है उसको इंस्टॉल किया है। फिर उसके अंदर क्या होती है, एक्सपेंडेबल कीज होती है, उसके थ्रू वो उसके अंदर इंस्टॉल होता है और एक प्रेशर सील क्रिएट करता है, मतलब आपके फ्लो को पूरा कंट्रोल कर देता है या पूरा स्टॉप भी कर सकते हैं आप फ्लो को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ये कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि इसका जो नो गो बेस है, ठीक है, इसका जो बेस है यहाँ पे वो उसके अकॉर्डिंग इसको अपन डिसाइड करते हैं कि कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक नो गो बेस होता है या इसको नो गो शोल्डर भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अपन ये टाइप्स को नेक्स्ट में देखेंगे, अभी देखते हैं कि इसको इंस्टॉल क्यों करते हैं। ठीक है, निप्पल्स आर इंस्टॉल एट वेरियस पॉइंट्स इन द स्ट्रिंग टू फैसिलिटेट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। कुछ ऑपरेशन अगर आपको वेल के अंदर परफॉर्म करने हैं तब आप इनको जो आपका ट्यूबिंग स्ट्रिंग है उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी क्यों करते हैं, अपन को बाई चांस ट्यूबिंग है उसको प्लग करना है, यानी कि फ्लो को ट्यूबिंग के अंदर स्टॉप करना है। अभी क्यों करना है वो अपन देखते हैं, प्रेशर टेस्टिंग के लिए, या फिर आपको कोई हाइड्रोलिक सेट पैकर है, जो अपन ने कल पढ़ा था कि हाइड्रोलिक पैकर है उसको फ्लूइड के प्रेशर डिफरेंशियल प्रेशर से सेट करते हैं। ठीक है, अगर उस पैकर को सेट करना है तो आपको फ्लो को अपन ने बोला था कि जो बॉटम से वेल से फ्लो आ रहा है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा या उसको स्टॉप करके फिर अपन प्रेशर क्रिएट करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो अगर आपको हाइड्रोलिक सेट पैकर है उसको सेट करना है, या फिर जोनल आइसोलेशन करना है, मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर, जैसे मल्टीवेल कंप्लीशन की बात कर रहे थे तो उसमें दो लेयर्स थी। ठीक है, तो पर्टिकुलरली एक टाइम पे मुझे ऊपर वाली लेयर है उसमें कुछ टेस्टिंग करनी है। ठीक है, सो देट जो नीचे का फ्लो आ रहा है उसको मुझे कंट्रोल करना है या उसे मुझे स्टॉप करना है थोड़े से टाइम के लिए। ठीक है, तो मुझे ट्यूबिंग को प्लग करना पड़ेगा या स्टॉप करना है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आपको कोई भी इक्विपमेंट ट्यूबिंग के अंदर इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लो को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल इक्विपमेंट आपको अगर इंस्टॉल करना है, लाइक आपका डाउन होल चोक है, जो डाउन होल ट्यूबिंग के अंदर चोक लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको लगाना है। देन उसके लिए भी आपको ट्यूबिंग को क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा या उसके फ्लो को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उस टाइम भी आप इंस्टॉल करते हैं। उसके अलावा कोई भी प्रेशर रेगुलेटर है या टेम्परेचर रेगुलेटर है आपको इंस्टॉल करना है वेल के अंदर, या फिर आपके फ्लो को लेवल को फ्लो जो लेवल कंट्रोलर है वो कुछ आपको वहाँ पे रेगुलेटर लगाना है। ठीक है, या फिर आपके सेफ्टी वॉल्स आपको इंस्टॉल करने हैं,
उसके अलावा या तो आपको बॉटम होल के प्रेशर जो रिकॉर्ड करते हैं, बॉटम होल प्रेशर रिकॉर्डर से उनको आपको लैंड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप ये जो लैंडिंग निप्पल्स है इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कितने टाइप की होती है। अभी अपन ने देखा कि जो इसका नो गो बेस है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करते हैं। इसके अंदर जो अपन ने बोला कि एक प्रेशर टाइट सील होती है, जो मैंड्रल होता है आपका, मैंड्रल होता है उसके यहाँ पे ये जो सील प्रोवाइड करने के लिए एक सीलिंग एलिमेंट होता है, ठीक है, जिसको अपन जनरली सील बोर बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इनको क्लासिफाई करते हैं, इनकी थ्री बेसिक डिजाइन्स होती है, ठीक है। फर्स्ट है टॉप नो गो, सेकेंड है आपका बॉटम नो गो, और थर्ड टाइप का है सेलेक्टिव निप्पल्स, ठीक है। अब जो टॉप नो गो है उसमें क्या है कि आपका जो नो गो बेस है या शोल्डर है इज लोकेटेड अबाउट द सील बोर। इसका जो नो गो बेस है वो आपका यहाँ पे था, ठीक है, तो इसमें सील बोर आपका कहीं नीचे था, ठीक है। तो अभी बोल रहे हैं कि जो आपका नो गो शोल्डर है वो सील बोर के अबाव में लोकेटेड है, बॉटम वाला है उसमें क्या है नो गो शोल्डर है वो सील बोर के बिलो में लोकेटेड है, ठीक है। अब बॉटम नो गो है, इन दिस डिजाइन द नो गो शोल्डर ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्ट द डायमीटर ऑफ द सील बोर। इसमें क्या होता है कि नो गो शोल्डर है वो क्या है, जो उसका डायमीटर है उसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करेगा, जो सील बोर का डाया है उसके अंदर, ठीक है। अब सिलेक्टिव टाइप में क्या होगा कि इन द अबाउ टू टाइप्स द निप्पल साइज मस्ट प्रोग्रेसिवली डिमिंस विद द डेप्थ ऑफ द स्ट्रिंग। इसमें क्या होगा कि जो ऊपर के टॉप नो गो एंड बॉटम नो गो अपन ने पढ़ा है उसमें क्या होता है कि नो गो शोल्डर की वजह से आपका जो उसका डायामीटर है सील बोर का वो जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे वो डायामीटर रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। देन इट इज पॉसिबल टू रन ओनली वन ऑफ ईच साइज एंड टाइप ऑफ द स्ट्रिंग। अगर ऐसा होगा, ऐसा पॉसिबल होगा तभी आप इनको रन कर सकते हैं, ठीक है। विथ सेलेक्टिव निप्पल्स एज रिक्वायर्ड कैन बी इंस्टॉल्ड सिंस द लॉकिंग मैकेनिज्म इज सेलेक्टिव। इसमें क्या होता है कि जो आपका सेलेक्टिव निप्पल्स है, ऊपर वाले में तो अपन को क्या करना पड़ रहा था कि जो इनकी सील बोर था या इनका डायमीटर था वो जैसे जैसे आप डाउन में डेप्थ के साथ जा रहे थे वो रिड्यूस होना कंपलसरी था तभी आप उसको इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तब आप सेलेक्टिव टाइप का यूज कर सकते हैं। और सेलेक्टिव टाइप में क्या होता है कि जो इसको लॉक करने का मैकेनिज्म होता है वो सेलेक्टिव होता है एंड हैज टू बी स्पेशली एक्चुएटेड बाय द वाई लाइन टूल। और इसको एक्चुएट करते हैं या इसको ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो कैसे करेंगे आप, किसी भी वाई लाइन टूल के थ्रू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्कुलेशन डिवाइसेस। अब सर्कुलेशन डिवाइसेस आपको किसी भी वेल कंप्लीशन में या किसी भी वेल में क्यों रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, क्या पर्पस है। सर्कुलेशन डिवाइस इज ए कंप्लीशन इन ए कंप्लीशन इज यूज टू जनरली क्यों यूज करेंगे, टू किल ए वेल बाय सर्कुलेटिंग किलिंग फ्लूइड थ्रू द सर्कुलेटिंग डिवाइस। अगर आपको वेल के अंदर किक क्रिएट हुआ है और आपको वेल को किल करने का नीड है, ठीक है, तो आपको फ्लूइड क्या करना पड़ेगा, वेल के अंदर फ्लूइड सर्कुलेट करना पड़ेगा, किलिंग फ्लूइड, ठीक है, और उस फ्लूइड को आपको सर्कुलेट करना है तो आपको एक सर्कुलेटिंग डिवाइस का नीड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू डिस्प्लेस द ब्राइन इन द ट्यूबिंग प्रायर टू सेट द पैकर। पैकर सेट करने से पहले वेल के अंदर ब्राइन फ्लूइड फिल होता है तो उसको आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, यानी कि बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको एक सर्कुलेशन डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी। टू प्रोड्यूस फ्रॉम मोर देन वन जोन फॉर द मल्टीपल कम्प्लीशन। आपको अगर एक से ज़्यादा जो आपका मल्टीवेल कम्प्लीशन है उनमें से प्रोडक्शन लेना है तभी भी आपको सर्कुलेशन डिवाइस का नीड होगा। उसके अलावा लेयर वाइज टेस्टिंग करनी है आपको वर्क ओवर में, ठीक है, लेयर वाइज टेस्टिंग करनी है कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसिंग लेयर्स हैं उनकी टेस्टिंग करनी है, देन आपको सर्कुलेशन डिवाइस रिक्वायर्ड होगा। और उसमें क्या होगा, विद टू पैकर्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे विद ए सर्कुलेशन डिवाइस। डिस्प्लेस एसिड और सॉल्वेंट एट द लेवल ऑफ ए जोन ड्यूरिंग स्टिमुलेशन। आपका वेल स्टिमुलेशन है, ठीक है, तो उसमें से आपको एसिड इंजेक्ट करना है या सॉल्वेंट है उसको किसी पर्टिकुलर जोन में आपको रीच करवाना है तब, ठीक है, इंजेक्ट द गैस इनटू द गैस लिफ्ट, ठीक है। आपको जैसे कल अपन बात कर रहे थे कि गैस इंजेक्ट करते हैं अपन, गैस क्यों इंजेक्ट करते हैं, ताकि ऑयल कॉलम को अपन लाइट कर सके और उसको इजीली प्रोड्यूस कर सके, जो आर्टिफिशियल लिफ्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो जो आपके गैस लिफ्ट वॉल है उनके थ्रू अपन गैस इंजेक्ट कर रहे हैं ट्यूबिंग के अंदर,
तो वो आपको नीड होगा उसके लिए, जो गैस लिफ्ट वॉल आप लगा रहे हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक सर्कुलेशन डिवाइस की नीड होगी, ठीक है। टू सर्कुलेट गैस विच हैज अक्यूमुलेटेड बिलो द पैकेट ड्यूरिंग द वर्क ओवर ऑपरेशन, जब आपके वर्क ओवर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उस ड्यूरेशन में पैकर के बिलो में अगर कुछ गैस आपकी डिपॉजिट हुई है, अक्यूमुलेट हुई है, तो उसको आपको सर्कुलेट आउट करके वेल्व से बाहर निकालना है। तो उसके लिए आप सर्कुलेशन डिवाइस का यूज करेंगे। उसके अलावा फॉर द केमिकल इंजेक्शन टू द ट्यूबिंग, अगर आपको ट्यूबिंग के अंदर कुछ भी केमिकल इंजेक्ट करते हैं या इंजेक्शन करने हैं या आपको ट्यूबिंग के अंदर सर्कुलेशन करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ट्यूबिंग के अंदर जो स्केल, अगर ट्यूबिंग है तो टाइम के साथ क्या होता है कि धीरे धीरे जो आपका फ्लूइड है वो ऐसी उसकी टेंडेंसी है कि वो स्केल फॉर्म करता है, ठीक है। तो ट्यूबिंग के अंदर अगर स्केल डिपॉजिट हो गया है तो आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे स्केल डिपोजिशन इंक्रीज होगा तो उसके अंदर उसका डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा ट्यूबिंग का, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वेल्व पे प्रोडक्शन रेट आपको कम मिलेगी। तो उसको अगर मुझे स्केल को स्केल डिपोजिशन को रिमूव करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ ऐसे सॉल्वेंट डालेंगे या कुछ ऐसा केमिकल इंजेक्ट करेंगे जिसकी वजह से वो स्केल को क्या करे, डिजोल्व करके सर्कुलेट करके सरफेस पे लेके आ जाए, ठीक है। तो इन सब अगर ऑपरेशन, ये ऐसे टाइप के ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करने हैं वेल पे, तो आपको सर्कुलेशन डिवाइस का नीड होगा। अब मेनली आप टू टाइप की सर्कुलेशन डिवाइस है जो जनरली अपन यूज करते हैं, वो होता है आपका स्लाइडिंग साइड डोर या स्लाइडिंग साइड स्लीव भी बोलते हैं, ठीक है, या एक होता है नेक्स्ट होता है, दूसरा वाला होता है आपका साइड पॉकेट मैंड्रल, ठीक है। अब देखते हैं कि स्लाइडिंग साइड डोर है वो क्यों यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या एक डिवाइस है जो क्या करेगी, ट्यूबिंग एंड एनुलस के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। जनरली अपन अगर देखेंगे आपके वेल कंप्लीशन में तो क्या होता है, जो आपका प्रोडक्शन ट्यूबिंग है, ये आपका ट्यूबिंग है वो पूरा यहाँ आपका जो प्रोड्यूसिंग जोन है वहां तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका केसिंग है और यहाँ से पैकर से आपने आइसोलेट कर दिया है, अगर इन केस मुझे इस एनुलस से और ट्यूबिंग में कुछ कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देखा है कि कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं है, सारा पार्ट आइसोलेटेड है, ठीक है। तो अगर मुझे इस एनुलस के थ्रू यानी कि सरफेस के थ्रू यहाँ पे फ्लो लाइन के थ्रू इस ट्यूबिंग के अंदर कुछ इंजेक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इस एनुलस में और ट्यूबिंग में कुछ कम्युनिकेशन चाहिए होगा, तो उस कम्युनिकेशन के लिए अपन क्या करते हैं, सर्कुलेशन डिवाइसेस यूज करते हैं, और सर्कुलेशन डिवाइस में अपन स्लाइडिंग स्लीव यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, जनरली कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है बिटवीन द ट्यूबिंग एंड द एनुलस। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कोसेंट्रिक स्लीव्स, इसके अंदर क्या होता है कि दो स्लीव्स होती है जो एक ही उनका सेंटर होता है, ठीक है, विद एलास्टोमेरिक सील बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में एक एलास्टोमर सील होती है, ठीक है, एंड ईच विद स्लॉट्स और होल, उनके दोनों में क्या होते हैं स्लॉट्स बने होते हैं या कुछ होल्स बने होते हैं, ठीक है। यूजिंग वायर लाइन और कॉइल ट्यूबिंग द इनर स्लीव कैन बी मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड टू अलाइन द ओपनिंग ऑन बोथ स्लीव्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, वायर लाइन या कॉइल ट्यूबिंग ऑपरेशन के थ्रू जो इनर स्लीव है उसको आप या तो अपवर्ड मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं या डाउनवर्ड मूवमेंट प्रोवाइड करके अलाइन करते हैं, ठीक है, सो दैट उनका सेंटर अगर सेम हुआ तो उनके स्लॉट्स में ओपनिंग होगी, अगर उनका सेंटर ऑफ सेंटर होता है देन क्या होगा, वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इट्स एप्लीकेशन जनरली ये किसके लिए यूज होती है, वेल को किल करने के लिए या फिर कोई भी फ्लूइड आपको ट्यूबिंग और एनुलस में ट्यूबिंग में सर्कुलेट करवाना है या एनुलस और ट्यूबिंग में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो जनरली इसके डायग्राम में अगर अपन देखते हैं तो ये आपका ऐसा होता है विजिबल, ठीक है, तो इसमें ये आपका इनर स्लीव है यहाँ पे, ये इसका दूसरा जो कोसेंट्रिक स्लीव होती है तो ये दूसरा इसका स्लीव है, ठीक है, तो ये इनर स्लीव है, ये अभी क्लोज पोजिशन में है, ठीक है। अगर इसको ओपन करना है तो अपन इसको क्या करते हैं, वाई लाइन यानी यहाँ से कुछ वाई लाइन्स के थ्रू इसको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो सील्स हैं इनके बीच की एलास्टोमेरिक सील है वो ओपन होगी और इसके थ्रू क्या होगा, एक कम्युनिकेशन ट्यूबिंग एंड एनुलस के बीच में आपका स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका साइड पॉकेट मैंड्रल, साइड पॉकेट मैंड्रल भी एक सर्कुलेशन डिवाइस है, बस इसमें क्या होता है कि एक इसमें क्या, जैसे उसमें यहाँ पे
एक डायमीटर था, एक बोर था, ठीक है, जिसके इसके स्लॉट थे जिसके थ्रू अपन सर्कुलेशन परमिट कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये इसका जो ऑफ सेंटर एक प्रोफाइल होती है, इसको साइड पॉकेट बोलते हैं, ठीक है। ये साइड में एक पॉकेट जैसी इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। साइड पॉकेट मैंड्रल अलोंग विद इट्स थ्रू बोर कंटेन्स एन ऑफसेट पॉकेट, एक ऑफसेट पॉकेट होती है विच इज पोर्टेड टू द एनुलस, ठीक है, जो कि एनुलस से कनेक्टेड होती है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो पॉकेट है इसके अंदर अपन बहुत सारे वॉल्स को इंस्टॉल भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं थ्रू द वाइल्ड लाइन मेथड्स, ठीक है, सो दैट अपन एनुलस एंड ट्यूबिंग के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो इसका मेन काम ये है कि बस उसकी स्ट्रक्चर इससे थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें ये जो ऑफसेट पॉकेट है इसके अंदर अपन क्या करते हैं, वॉल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं वायर लाइन के थ्रू, ठीक है, या वायर लाइन के थ्रू उनको वापस रिट्रीव भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके थ्रू अपन क्या करेंगे, इन जो आपका ट्यूबिंग है और जो आपका एनुलस है इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जनरली ये क्या होता है कि इसको कहाँ कहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं या इसके अंदर कौन से वॉल को अपन इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो गैस लिफ्ट वॉल है उनको अगर मुझे इंस्टॉल करना है तो मुझे साइड पॉकेट मिनरल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ केमिकल इंजेक्शन वॉल भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर कुछ सर्कुलेशन के लिए रिक्वायर्ड है तो सर्कुलेशन वॉल आप कर सकते हैं, या आपको कहीं पे प्रेशर इक्वलाइज करना है, आपका एनुलस का प्रेशर एंड ट्यूबिंग का प्रेशर इक्वलाइज करना है तो उसके लिए प्रेशर इक्वलाइजेशन वॉल्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ आप डिफरेंशियल किल वॉल्स या डमी वॉल्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब डमी वॉल्स क्या होते हैं जनरली, कि इन केस मुझे अभी वेल के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको गैस लिफ्ट का, मतलब अभी मुझे लग रहा है वेल इनिशियली अपनी जो नेचुरल एनर्जी है उससे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, बट इन फ्यूचर मुझे लगता है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल लिफ्ट का नीड होगा, यानी कि मुझे गैस को इंजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले से ही कुछ डमी वॉल इंस्टॉल करके रखती हूँ, ठीक है, फिर इन फ्यूचर मुझे नीड होगा तो मैं उन डमी वॉल्स को रिमूव करके उनकी जगह गैस लिफ्ट वॉल को इंस्टॉल कर लूंगी, ठीक है। तो ये साइड पॉकेट मैनरल और आपका स्लाइड स्लीव डोर था, ठीक है, जो दोनों सर्कुलेशन डिवाइसेस थी और कौन सी अपन जनरली कहाँ पे यूज कर रहे थे। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है, ये एक कंपोनेंट होता है कंप्लीशन का, वेल कंप्लीशन का ही, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि जो आपकी दो फिक्स्ड असेंबली है उनके बीच में थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रेक्शन हो रहे उनको एक अकोमोडेट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी दो ट्यूबिंग है उनके बीच में जो जॉइंट है या ट्यूबिंग का पार्ट है आगे वेलेट से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जनरली वेल के सरफेस के वहां पे आपका ट्यूबिंग का मूवमेंट होता है अगर, ठीक है, या फिर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपकी ट्यूबिंग थोड़ी सी एक्सटेंड हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, या थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है टेम्परेचर रिडक्शन की वजह से, ठीक है। तो उसकी वजह से ऐसी केसेस में जहाँ पे अपन को एक्सपेक्टेड है कि ट्यूबिंग के मूवमेंट हो सकते हैं, मूवमेंट यानी कि ट्यूबिंग आपकी या तो एक्सपेंड हो रही है थर्मली या फिर उसकी आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो उन जो एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन हो रहे हैं उनको आपको और उनकी वजह से जो रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उसको अकोमोडेट करना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उन दोनों के जहाँ पे एक्सपेक्टेड होता है कि थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रेक्शन हो सकता है वहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन जॉइंट्स आर यूज इन ए सिंगल और मल्टी स्ट्रिंग कंप्लीशन, ये दोनों में ही आपके आपका सिंगल ट्यूबिंग आपका कंप्लीशन हो या मल्टीपल कंप्लीशन हो वहाँ पे दोनों में यूज कर सकते हैं, व्हेन ट्यूबिंग मूवमेंट इज एक्सपेक्टेड, जहाँ पे आपके ट्यूबिंग के मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये क्या करेगा कि जो आपकी ट्यूबिंग है उसकी प्रेशर इंटीग्रिटी को मेंटेन करेगा, कैसे, व्हाइल अलाउिंग द स्ट्रिंग टू सेफली एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या करेगा कि अगर ट्यूबिंग एक्सपेंड हो रही है तो उसको हल्का सा एक स्प्रिंग जैसा सा होता है, तो ये क्या होता है इजीली उसको हल्का सा कॉन्ट्रेक्शन प्रोवाइड करेगा ताकि ट्यूबिंग की जो साइज है वो इक्वली मेंटेन होके रहे। अगर वो कॉन्ट्रेक्ट हो रही है तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा एक्सपेंशन प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से ट्यूबिंग की साइज या ट्यूबिंग का मोमेंट नहीं हो, ठीक है। ये जनरली दो टाइप के एक्सपेंशन ज्वाइंट हो सकते हैं, स्प्लाइन टाइप एंड नॉन स्प्लाइन टाइप। ये जनरली इतना आपके पूछा नहीं जाता, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको कि आपके जो एक्सपेंशन ज्वाइंट्स हैं ठीक है उसको अपन कहाँ पे यूज करते हैं, जनरली जहाँ पे ट्यूबिंग के अंदर थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन आपके एक्सपेक्टेड होते हैं या रिलेटिव मूवमेंट आपका ट्यूबिंग का कहीं पे एक्सपेक्टेड होता है तो वहाँ पे अपन
उन मूवमेंट को अकोमोडेट करने के लिए एक्सपेंशन जॉइंट यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जनरली इनके जो लेंथ है स्टैंडर्ड वो हो सकती है 2 फीट, 6 फीट या 10 फीट, ठीक है। आपके जो रिलेटिव मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका ब्लास्ट जॉइंट। ब्लास्ट जॉइंट अपन कहाँ पे यूज करते हैं? ब्लास्ट जॉइंट इज यूज इन मल्टी जोन वेल्स, ठीक है। अब मल्टी जोन वेल्स में अपन क्यों यूज कर रहे हैं वो बात कर लेते हैं। आपका जो मल्टी जोन वेल था, ठीक है, अब इसमें जैसे मल्टी जोन वेल है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये वाली ट्यूबिंग है आपकी इस वाले प्रोड्यूसिंग जोन की या इस लेयर की, तो यहाँ से ट्यूबिंग एक्सटेंड होके पूरी सरफेस तक जा रही है, ठीक है। और ये वाला जो आपका जोन है या लेयर है प्रोड्यूसिंग, इससे जो फ्लूइड आ रहा है वो क्या है, एक फ्लो के साथ आएगा और इस ट्यूबिंग से डायरेक्टली इस पे अटैक करेगा, ठीक है, या इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो वेलोसिटी की वजह से अगर वो ट्यूबिंग की जो इरोजनल वेलोसिटी है, मतलब ये फ्लूइड इतनी ज्यादा वेलोसिटी से आ रहा है कि अगर ये बार बार इस पे वेलोसिटी से आता रहेगा और अगर उस ऑयल के साथ अगर बाई चांस अपन बोलते हैं कि थोड़ी बहुत सैंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो उस सैंड के बार बार इस पे अटैक होने की वजह से और फ्लूइड के बार बार हाई वेलोसिटी की वजह से ये ट्यूबिंग आपकी इरोड हो सकती है, ठीक है, या खराब हो सकती है, ठीक है, तो इसका मटेरियल डिग्रेड हो सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, ब्लास्ट जॉइंट को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इट इज यूज इन मल्टीपल वेल्स, मल्टीपल जोन वेल्स इन विच द ट्यूबिंग एक्सटेंड पास्ट ए प्रोड्यूसिंग जोन, मतलब प्रोड्यूसिंग जोन के ऊपर एक्सटेंड कर रही है आपकी ट्यूबिंग, टू डिफर द इरोजनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोड्यूस फ्लूइड एंड फॉर्मेशन सेंड फ्रॉम कटिंग थ्रू द ट्यूबिंग स्टिंग, ठीक है। जो फॉर्मेशन की सेंड आपकी ऑयल के साथ प्रोड्यूस हो रही है और वो उसकी इरोजनल वेलोसिटी को रीच कर रहा है जिसकी वजह से आपकी ट्यूबिंग डैमेज हो सकती है, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपन ब्लास्ट जॉइंट यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि सिंपली एक थिक हैवी वॉल जॉइंट ऑफ स्टील पाइप होता है, मतलब छोटी सी ट्यूबिंग होती है जो स्टील का पाइप होता है, ठीक है, और उसकी जो वॉल्स होती है वो काफी हैवी होती है, ठीक है। हाउएवर देर आर ऑल्सो मोर सोफिस्टिकेटेड डिजाइन दैट यूज मटीरियल्स सच एज कार्बाइड, ठीक है। जनरली स्टील का पाइप होता है बट अगर अपन को कहीं सीवियर सर्विस हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा सैंड प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी वजह से ट्यूबिंग बहुत जल्दी से आपकी इरोड हो सकती है, तो वहां पे आप कार्बाइड से या कार्बाइड मटेरियल से बनी हुई ब्लास्ट जॉइंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लो कपलिंग। और फ्लो कपलिंग अपन कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं? फ्लो कपलिंग जनरली वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे आप फ्लो कंट्रोल डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। फ्लो कंट्रोल डिवाइस यानी कि जैसे आपने चोक इंस्टॉल किया, तो चोक का वर्क क्या हुआ कि जो आपका पूरा ट्यूबिंग का फ्लो आ रहा था उसको थोड़ा रिड्यूस करके, मतलब जैसे ट्यूबिंग का डायमीटर आपका 4 इंच है, ठीक है, तो आपकी जो चोक आपने बॉटम होल में इंस्टॉल करी है उसका डायमीटर आपका कितना है, 1/64 of an inch, मतलब कि बहुत स्मॉल डायमीटर है, तो उसके एकदम से सडन डायमीटर चेंज की वजह से क्या हुआ, आपका फ्लो एकदम से रिड्यूस हुआ, तो उसकी वजह से इस पे अब इफेक्ट ना आए, ठीक है, और इरोजन नहीं हो उसके लिए। दे कैन बी रन अबव एंड बिलो एनी प्रोफाइल सिटिंग निपल, ठीक है, जहाँ पे आप जैसे अभी प्रोफाइल सिटिंग निपल की बात कर रहे थे, ठीक है, तो वो क्या एक फ्लो कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है, तो जहाँ पे भी आप फ्लो कंट्रोल डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं या फिर स्लाइडिंग स्लीव आप इंस्टॉल करते हैं इन विच इट इज एंटिसिपेटेड दैट द टर्बुलेंस क्रिएटेड बाय द फ्लो थ्रू द निपल रेस्ट्रिक्शन कैन ईच इरोजनल वेलोसिटी एंड डैमेज द ट्यूबिंग स्ट्रिंग, ठीक है, तो एकदम से कॉन्ट्रेक्शन हुआ, डायमीटर रिड्यूस हुआ, उसकी वजह से आपका फ्लूइड का टर्बुलेंस क्रिएट होगा और उस टर्बुलेंस की वजह से अगर वो इरोजनल वेलोसिटी को रीच करता है और ट्यूबिंग को डैमेज करता है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में अपन क्या करते हैं, फ्लो कपलिंग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। द फ्लो कपलिंग डजंट स्टॉप द इरोजन, ये इरोजन को तो स्टॉप नहीं करती है बट बिकॉज ऑफ इट्स थिक क्रॉस सेक्शन कैन एंड विल एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द कंप्लीशन, ठीक है, ये इसका थिक क्रॉस सेक्शन होता है, उसकी वजह से वो जो भी कंप्लीशन ट्यूबिंग है आपकी प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन ट्यूबिंग है उसकी लाइफ को एक्सटेंड करेगा बिकॉज मोर मटेरियल मस्ट बी लॉस्ट टू इरोजन बिफोर फेलियर अकर्स, ठीक है। देन इन द केस ऑफ द ट्यूबिंग स्ट्रिंग अलोन, अगर आपकी ट्यूबिंग ओनली ट्यूबिंग ही इंस्टॉल है तो उसकी वजह से आपका इरोजन हो सकता है बट
अगर ये आपने फ्लो कपलिंग इंस्टॉल किया है तो उसकी वजह से वो इरोजन को स्टॉप नहीं करेगा, बट वो थिक होने की वजह से, उसका क्रॉस सेक्शन थिक होने की वजह से उसके सिर्फ फ्लो कपलिंग का मटेरियल ही रिड्यूस होगा या उसका ही इरोजन होगा, जो आपकी एक्चुअल प्रोड्यूसिंग ट्यूबिंग है वो आपकी इरोड नहीं होगी। ठीक है, फ्लो कपलिंग्स आर रिकमेंडेड व्हेन ए फ्लो कंट्रोल डिवाइस इज टू बी इंस्टॉल्ड ऑन ए परमानेंट बेसिस। अगर परमानेंट बेसिस पे आपने बॉटम होल चोक लगाई है या कहीं पे प्रोफाइल सिटिंग निपल लगाई है, देन आपको ये हमेशा के लिए फ्लो कपलिंग इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, सो दैट वो उसकी इरोजनल वेलोसिटी को रीच करके ट्यूबिंग को इरोड ना करे या उसको डैमेज ना करे। नेक्स्ट है आपका ब्लैंकिंग प्लग्स। ब्लैंकिंग प्लग्स में भी लैंडन इन प्रोफाइल सिटिंग निपल्स, मतलब जो आपकी प्रोफाइल सिटिंग निपल्स थी उनके अंदर आप लैंड कर सकते हैं, और स्लाइडिंग स्लीव्स टू टेम्परेली प्लग द ट्यूबिंग स्ट्रिंग। आपको टेम्परेली अगर बंद करनी है ट्यूबिंग को तो आप इनको यूज कर सकते हैं, अलाउिंग प्रेशर टू बी अप्लाइड टू द ट्यूबिंग स्ट्रिंग टू टेस्ट द ट्यूबिंग। अगर ट्यूबिंग को आपको प्रेशर टेस्ट करना है, देन आप क्या करेंगे कि ट्यूबिंग को थोड़े टाइम के लिए आप टेम्परेली इस ब्लैंकिंग प्लग के थ्रू क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, और सेट है हाइड्रोलिक पैकर। अगर आपको हाइड्रोलिक पैकर सेट करना है तो उसके लिए भी अपन ने बोला था कि अपन प्रोफाइल सिटिंग निपल्स यूज कर रहे थे, या फिर आप ब्लैंकिंग प्लग भी यूज कर सकते हैं। और आइसोलेट एंड शट ऑफ द फ्लो फ्रॉम द फॉर्मेशन। अगर आपको फॉर्मेशन से थोड़े टाइम के लिए फ्लो को क्लोज करना है टेम्परली, देन आप ब्लैंकिंग प्लग यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पंप आउट प्लग। पंप आउट प्लग एक्ट एज ए टेम्पररी ब्रिज दैट आइसोलेट द ट्यूबिंग फ्रॉम द एनुलस इन ऑर्डर टू सेट ए पैकर। ठीक है, अगर आपको पैकर सेट करना है और आपको ट्यूबिंग और एनुलस का जो कम्युनिकेशन है उसको आइसोलेट करना है, देन आप पंप आउट प्लग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अवेलेबल इन ए वैरायटी ऑफ कॉन्फिगरेशन, द प्लग इज रिमूव्ड बाय सिंपली अप्लाइंग द प्रेशर टू द ट्यूबिंग। ठीक है, जैसे ही आप ट्यूबिंग के अंदर आपने इसको पंप आउट प्लग को इंस्टॉल किया है, ठीक है, सो दैट कम्युनिकेशन नहीं हो एनुलस और ट्यूबिंग के बीच में, अगर आपको उस कम्युनिकेशन को स्टॉप करना चाहते हैं, देन आप पंप आउट प्लग को इंस्टॉल कर सकते हैं, और जैसे ही आप ट्यूबिंग को प्रेशर प्रोवाइड करेंगे ये आपका रिमूव हो जाएगा वापस। ठीक है,